सुजल सुफल मलय जो शीतल मातृभूमि अभी भी हमारे पास है, लेकिन वो अपने तरफ से प्रयास करती है हमको सुख में बढ़ाने की, लेकिन हम ऐसे कर्म दरिद्री हो गए कि उसका लाभ नहीं ले सकते, और अभी भी दुख है, अभाव है, इसका लाभ बाकी लोग लेते हैं। जिनको भारत को बलवान नहीं बनाने देना है, भारत के बड़े होने से जिनके स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, ऐसी ताकतें दुनिया में है, और वो प्रयास करती है कि भारत कभी उठे नहीं। ऊपर से चिकनी चुकड़ी बातें करेंगे, वाह वाह करेंगे, परंतु अंतस्थ हेतु सब समझते हैं, हम भी जानते हैं, जिनको जानना है वो भी जानते हैं। उनका ये सतत उद्योग रहता है कि आपस में हम बटे रहे, आपस में लड़ते रहे। अब इसको भी ठीक करना है, और ये नहीं होता तो भी ये कैसे संभव है भाई? हम एक राष्ट्र है, हम एक समाज है, हमारा एक शरीर है, जन गण मन ऐसा हम कहते हैं, हम मन से एक है। कितना भी कुछ दिखता हो, कितने भी झगड़े होते हो, कितनी भी ऊट पटांग बातें हम एक दूसरे के बारे में कहते हो, जब भारत की सीमा पर आक्रमण होता है, सारा देश ये सारे भेद भूल जाता है और खड़ा हो जाता है उतने समय के लिए। ये कहां से आता है? ये अंदर का सत्य है। कोई महापुरुष ऐसे है जिनको लेकर हम देश में जाते हैं तो किसी का विरोध नहीं है, सब उस महापुरुष के स्मरण में जुट जाते हैं। विवेकानंद एक ऐसा नाम मैंने बताया, शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम है। पौराणिक काल से अभी तक के भारत के सारे जीवन पर्व में ऐसे नाम है जिनके बारे में सारा देश एकमत है।